हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आए हो आप लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आज आपके फेस के लिए घरेलू नुस्खा लेके आए हैं। बहुत अच्छा रेमेडी है, मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया अपने फेस के लिए और मैंने अपने फेस पे लगाया भी है। तो आप लोगों को हम बनाना बताएंगे कि आपको बनाना कैसे है, लगाना कैसे है। अगर अपने फेस पे लगा के नहीं दिखाऊंगी तो आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि ऐसा वाकई में ही रिजल्ट आपको इतना अच्छा है। आप देख सकते हैं मैंने इस्तेमाल किया है मेरा फेस, आप देख सकते हैं मैंने स्क्रब अपने घर पे किया है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फिर दिखाते हैं। सबसे पहले हमने ये हल्दी लिया है, एक चम्मच के चौथाई में मैंने एक पॉइंट मैंने इसका हल्दी का पेस्ट मैंने लिया है। बिल्कुल थोड़ी सी ही लेना है आपको, स्क्रब करना है। और उसके बाद हमें एक चम्मच इसमें गुलाब जल रखनी है, छोटी चम्मच होनी चाहिए, बड़ी चम्मच ज़्यादा नहीं। और उसके बाद आपको इन चीज़ों से बिल्कुल जो भी डार्क सर्कल है, पिंपल है, उन चीज़ों को बहुत अच्छा से ये रिमूव करेगा। स्क्रब है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे बना सकते हैं। आधी चम्मच हमें इसमें एलोवेरा जेल डाल सकते हैं, आपके आसपास अगर फ्रेश है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, उससे अच्छा कोई भी नहीं है। अब इसमें हम खास चीज़ डालने वाले हैं जो घर में सब किसी के होते हैं, मैदा। मैदा क्या करती है, हमारे चेहरे को बहुत अच्छा से ये स्क्रब करने में मदद करती है। आधी चम्मच इसमें हमें मैदा डालनी है, बिल्कुल आधी चम्मच। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आप चाहो तो जहाँ भी आपके कालेपन है, डार्क सर्कल है, गंदे जमे पड़े हैं, उन चीज़ों के लिए आप गर्दन पे भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं आप। लेकिन मैंने फेस के लिए बनाया है इस तरह से, मुझे सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है। और अगर हम स्क्रब कर रहे हैं तो हमारे चेहरे उसके बाद थोड़ी सी फटी फटी सी दिखती है, उसके लिए हम वैसलीन डालेंगे। इसके बाद हमारे चेहरा जो भी है ना, बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम, बिल्कुल इनसे रहने वाला जो भी है, उन चीज़ों को बिल्कुल कालेपन जमे हुए गंदगी सी, बहुत पुराने झुड़िया सी है, उन चीज़ों को अच्छे से स्क्रब करने से आपकी चेहरा एक ही बार में आपको बहुत अच्छा टाइट दिखने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है आपको। और इसके बाद हम आपको फिर बताएंगे करना क्या है, हम अपने फेस पे लगा के दिखाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा। वैसे इसमें हमने बिल्कुल आधी कट लेमन किया है, लेमन भी हम इसमें हल्का सा कम मात्रा में डालेंगे। बिल्कुल जो भी इन चीज़ों से क्या है कि पिंपल हमारी होती है ना, अगर आपको नींबू आपके फेस पे सूट नहीं करिए तो आप नींबू नहीं डालिए, उसमें नींबू नहीं डाल सकते हैं। लेकिन पिंपल और गंदगी इन चीज़ों को बहुत अच्छा से ये सारे चीज़ आपस में मिक्स हो करके हमारे चेहरे को इतना खूबसूरती, ग्लो, निखार चेहरे पर देता है ना कि बहुत अच्छा आप देख के रह जाओगे। ये नहीं है कि एक ही बार आपको लगाना है, एक ही बार लगा लिया और आपको कुछ फर्क नहीं दिखा, आपने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कम से कम आप इसको हफ्ते में 2-3 बार यूज करें, स्क्रब करना जरूरी होता है। आलस की वजह से हम सभी चेहरे को स्क्रब नहीं कर पाते हैं, अपने ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये तैयार हो गया, चलिए फिर मैं अपने फेस पे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ किस तरह आपको लगाना है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अपने फेस पे कोई मेकअप ना हो, जब आप ये स्क्रब कर रहे हो तो कोई तरह का मेकअप ना हो, गंदगी, उससे पहले जो भी थोड़ी सी धूल जमी हो हमारे फेस पे तो उसको हम क्लीन करना है अच्छे से। हम पानी मार के उसको अच्छे से धो सकते हैं, उसके बाद एक तौलिए से आप उसको साफ कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप स्क्रब कर सकते हैं। इस तरह से कॉटन कपड़े लेने हैं आपको, बिल्कुल अपने फेस को इस तरह से आपको साफ कर लेने, कोई मेकअप ये अगर हो उससे पहले तो आप उन चीज़ों को अच्छे से अपने फेस पे से हटा सकती हैं। अगर आपने कोई मेकअप कर रखी है उस पर फिर लगाइएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह से आपको फिर नीचे की तरफ लेयर में, मोटी लेयर में ही आपको लगाने हैं, स्क्रब करना है 10 मिनट तक आपको इसको, फिर छोड़ना है। इस तरह से पूरे में लगाना, जो भी पिंपल है आपके चेहरे पर, धूल जमी गंदगी है, टेनी हो गई है, अगर गर्मी के टाइम है, इन चीज़ों से बहुत ठंडा मिलने वाला है आपका फेस को, बहुत अच्छा निखार लाने वाला है, ग्लो लाने वाला है। तो इस तरह से हम पूरे फेस पे, तो इस तरह से मैंने पूरे फेस पे लगा लिया फ्रेंड। तो देख सकते हैं आप, इसको हम 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे सूखने के लिए, अच्छे से ये सूख जाए, हमारे जो भी चेहरे के अंदर गंदगी है, पिंपल्स है, उन चीज़ों को अच्छे से बाहर निकाल के जड़ से ही ख़त्म करें। एक बार में ही लगाने में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 10 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया है, ये अच्छे से हमारी सूख चुकी है, बिल्कुल देख भी सकते हैं आप। और इसको एक फिर उसी कॉटन कपड़े से, जिससे मैंने पहले फेस को साफ करी थी उसी कॉटन कपड़े से, अब इसको हमें साफ करनी है बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, ताकि ये अच्छे से चेहरे को स्क्रब करे, बहुत अच्छा निखार आप देख सकते हैं।
एक ही बार में आपको दिख रहा होगा इन चीजों से, धूल मिट्टी जो भी हमारी जमी होती है ना आजकल से, हम अपने घर में सारे सामान होने के बावजूद भी हम अपने फेस को ध्यान नहीं रख पाते हैं इन चीजों के लिए, तो हमारी फेस इसीलिए वक्त से पहले डल हो जाती है, बिल्कुल झुरिया सी आ जाती है, देखने में लटक जाती है। तो इन चीजों के लिए केयर आप घर पे भी अपने फेस को अच्छे से कर सकते हैं, सारे सामान आपके किचन में ही होते हैं, तो आलसी ना बने, इस तरह से अपने फेस का बिल्कुल ख्याल रखें, बिल्कुल चमकता हुआ चेहरा पाएं। सबसे सुंदर स्क्रब करने की कहीं बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं, आप घर में कर सकते हैं। आपको यकीन नहीं होता इसीलिए मैं अपने फेस पे लगा, क्योंकि मैं यही सब अप्लाई करती हूँ, आप लोगों के साथ यही सब शेयर कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं एक ही बार दिखने में आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि एक भी पिंपल आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आपको ये कम से कम हफ्ते में 3 बार करनी है। ये नहीं कि एक बार कर लिया और फिर आप बोलोगे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, कम से कम हफ्ते में 3 बार 2 बार आप खाली टाइम बैठे रहते हो स्क्रब करता रहिए, आपको चेहरे पर लाइटिंग इतनी आएंगी स्क्रब करने से ही, ना ब्लीच की जरूरत पड़ेगी ना फेशियल की, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने फेस में लगाया क्या, सारे देख के परेशान हो जाएंगे। तो गाइस हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आपको मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।